नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजाइट। ग्रीन जोन में बलिया में 41वें दिन मदिरा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। उत्तर प्रदेश की बलिया जनपद सहित रसा क्षेत्र में 44 दिनों से लॉकडाउन का दंश झेल रहे लोगों को जैसे ही मदिरा दुकानों के खुलने की सूचना मिली, उसके बाद जो जैसे था निकल पड़ा मधुशाला की ओर। और सोमवार को मदिरा प्रेमी सुबह से ही मदिरा दुकानों पर मधुमक्खियों की तरह दुकानों पर सैकड़ों की संख्या में मदिरा के शौकीनों की भीड़ जुट गई। इस दौरान क्षेत्र के देसी अंग्रेजी शराब तथा बियर की दुकानों पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। यूपी सरकार द्वारा 4 मई को शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया था। शराब दुकान सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रखने के आदेश के बाद सोमवार को सुबह से ही मदिरा प्रेमियों की लंबी कतार मदिरा दुकानों पर देखने को मिली। मदिरा दुकानों के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग शराब की खरीदारी करने में उमड़ पड़े। इस दौरान शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लगभग 1.5 माह बाद खुली मदिरा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती रही। बावजूद इसके मदिरा खरीदने के लिए लंबी लाइन लगाते हुए नजर आ रहे थे। प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करते हुए अनुमति प्रदान की है, लेकिन पहले दिन ही जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि पूरे मामले पर समाचार टू जेड के संवाददाता पिंटू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी बलिया से फोन पर संपर्क कर उनका पक्ष जानना व कार्रवाई करने की बातचीत की, मगर अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, अतः बातचीत के दौरान फोन कट कर दिया गया। समाचार टू जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। जैसे हम लोग लॉकडाउन में रहेंगे सर, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट बता दीजिए सर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। ये लॉकडाउन के तीसरे चरण में शासन के स्तर से बहुत सारी छूट मिली है, और वो छूट ग्रीन जोन बलिया में अभी तक होने के नाते, ग्रीन जोन में होने के नाते छूट की सुविधा मिल पा रही है। लेकिन इस छूट का कहीं से कतई कोई ये मतलब नहीं है कि कोरोना का जो खतरा है वो कम हो गया या खत्म हो गया, बल्कि इसके उल्टा है कि कोरोना का जो खतरा है वो और बढ़ा है। और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन देश में जो संख्या आ रही है, प्रत्येक दिन नए दिन सबसे बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ये संक्रमण का जो दौर है वो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही जीवन को पटरी पर लाना है, और ये मजबूरी के तहत ये छूटें दी जा रही हैं कि दैनिक दिनचर्या पर हम लोग आए। हमारे चारों तरफ ऑरेंज और ग्रीन रेड जोन वाले जिले हैं, सातों जिले जो है, 4 बिहार के और 3 उत्तर प्रदेश के। तो इसलिए केवल ग्रीन जोन होने के नाते हम मुतमईन होकर नहीं रह सकते, और ये जो शिथिलता दी गई है सरकार की तरफ से, उसने यहां के नागरिकों में, दुकानदारों में, व्यवसायियों में, कर्मचारियों में, मजदूरों में, उनके कंधे पर ज्यादा जिम्मेदारी रख दी है कि उन्हें खुद ही अनुशासन में रहना है, और वो अनुशासन है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, साथ ही आरोग्य सेतु एक जो डेवलप किया गया है जो सतर्क करे लोगों को, वो बनाए रखना, ये सारी चीजें रखना, ये सारी जिम्मेदारी अब जनता के कंधे पर है। और प्रशासन की तरफ से ये फैसिलिटेशन किया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, हम जिले की सीमा पर कहीं भी कतई कोई ढिलाई नहीं करने जा रहे हैं। अंतर जनपदीय कोई भी आवागमन सिवाय आवश्यक सेवाओं के या वस्तुओं के, ढुलाई के, मेडिकल सेवा के नहीं परमिट किए जाएंगे। वाहनों के बारे में जो शासन का निर्देश है कि दोपहिया वाहन पर केवल राइडर रहेगा चढ़ने वाला, तीन पहिया वाहन पर ड्राइवर के अलावा एक केवल व्यक्ति सवारी रहेगी, चार पहिया वाहन पर ड्राइवर प्लस टू रहेंगे, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था रहेगी। और जो भी वाहन निकलेंगे उनके पास के रूप में हम ये मान रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप उनको डाउनलोड करना होगा। कौन सी दुकान ऐप ही उनका पास माना जाएगा। बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति से, जिस जो स्मार्टफोन धारक है, उन सबके लिए भी यही पास है कि आरोग्य सेतु उनके स्मार्टफोन पर लोड है या नहीं,
क्योंकि जो भी बाहर निकल रहा है वो डेंजर जोन में जा रहा है, मिलेगा। और इस सेतु के माध्यम से ये अलर्टनेस मिलती है कि हम कोरोना पॉजिटिव के कितने अगल बगल हैं और कितने दूरी पर हैं, इसलिए यह अनिवार्य किया जा रहा है। ये व्यवस्थाएं हैं। अभी जो दुकान खुलने की बात आपने कही है, दुकान नगरीय क्षेत्रों में सब लोग लौट रहे वहां से हैं, पूर्ववत ही खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों से मेरा मतलब नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से है, जिसमें आवश्यक सामग्री वाली जो दुकानें हैं, यानी खाने की, फल की, सब्जी की, दवाओं की, और जो चिन्हित दुकानें हैं, जो रोस्टर है उसके हिसाब से ही वो खुलेंगी। दवा की दुकानें, बनारस में जो संक्रमण हुआ है उस संक्रमण के नाते जो आढ़ती और बड़े व्यापारी हैं उनको उस संक्रमण काल जब वो गए उससे 16 दिन बाद, भले निगेटिव हैं लेकिन चूंकि लक्षण 14 दिन में प्रकट होते हैं, इसलिए 16 दिन बाद खोलने का दुकानवार एक रोस्टर जारी किया गया है, उसके अनुसार से ही खोला जाना है उनको। और आगे हम लोग और दुकानें, अभी भी बार्बर साहब, नाई की साहब, चाय पकौड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, पान मसाले की दुकान, विस्की वगैरह, शराब की, ये सारी दुकानें बंद रहेंगी। और ये फेज आउट करके हम लोग धीरे धीरे उसको, अभी प्रतिक्रिया देखेंगे, आज कल प्रतिक्रिया देखेंगे, चीजें अगर सामान्य रही तो की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर हमने सभी प्रकार की एकल दुकानें, एकल दुकानों से मतलब ये है कि जहां बाजार नहीं है वहां एकल दुकानें खोले जाने का, चाहे वो आवश्यक सामग्री की हो या मैकेनिक की हो या कोई और दुकान हो, उसको खोलने की परमिशन दी गई है। इन सब में जो निर्माण कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्माण कार्य हो या विकास कार्य हो, जहां वहीं इन सिटू में रह रहे हैं उन सबको हम लोग परमिट कर रहे हैं। शराब की दुकानों के बारे में आपने जानना चाहा है, शराब की दुकानों के लिए शासन से निर्देश किया आया है कि वो सवेरे 10 बजे से और 7 बजे तक खुलेंगी, और उनमें 5 से अधिक व्यक्ति एक समय एकत्रित नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग यानी प्रत्येक व्यक्तियों के बीच में 2 गज की कम से कम दूरी, ये मेंटेन कराया जाएगा। मास्क पहनेंगे, और ये सारी जिम्मेदारी चाहे शराब की दुकानों का हो चाहे कोई दुकानदार सामान्य हो, ये इंश्योर कराने की जिम्मेदारी उस दुकान स्वामी का होगा, फर्म के स्वामी का होगा, और वो अगर नहीं करता है तो उसके विरुद्ध ही कार्रवाई होगी 188 की, चाहे आपदा निवारण महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी, और जो भी ऐसा एक बार पाया जाएगा उसकी दुकानें परमानेंट बंद की। हेलो, कह रहे हमारी बात आपकारी विभाग बलिया से हो रही है क्या? जी जी, समाचार ए टू जेड बलिया से बोल रहे हैं सर। हाँ, समाचार ए टू जेड से बलिया से बोल रहे हैं पिंटू सिंह। हाँ बताइए बताइए। ये कह रहे सर कि आज जिस तरीके से आदेश के बाद जो है जनपद के समस्त जो है देसी शराब ठेका खोला गया था सुबह 10 बजे 7 बजे तक, उसमें सर सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर धज्जियां उड़ाया गया, इसे क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, हर जगह जो है मार्किंग की गई है जी, और मार्किंग के साथ जो है उसी में सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी का जी जी जारी किया गया था जी, और उसी आधार पे अनुज्ञातियों को कहा गया है कि इसको सेल करने के लिए। अभी तो मैं दुकान चेक भी कर रहा हूँ, मैं अभी कदम चल रहा हूँ अंग्रेजी दुकान पे हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, मास्क गली लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं वो। नहीं सर, सुबह जिस तरीके से लोग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया गया है, इसका तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने जो नहीं जो हमारे पास आप हमारे पास तथ्य है सर, इसी के आधार पर मैं आपका पद जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसी आधार पर खोलने का आदेश भी दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर दुकानदार पालन करेगा, अब भी वही आदेश रहेगा, और सोशल डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करते हुए ही शराब की बिक्री की जाएगी। नहीं तो सर, जिससे शराब का सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाएगा उस पर क्या कार्रवाई किया जाएगा आपके द्वारा सर? सोशल डिस्टेंस की धज्जिया उड़ाई गई है, हाँ, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मैं उसको फिर से निर्देशित करूंगा कि ऐसा अगर होता है तो वो नहीं करेंगे ऐसा। जी सर, हेलो
हेलो।